Lord Trusty, Atmosari, Vyasari, Yusuf, Dorsan, the Vesari, Vyam, Paula, me, to the Vandam, Ayori, to Ashmash, Sri Bhagi, but the Bhagavan, he Thank you.
कृष्णा कर्म की
Hey,
जय जय श्री
यस्य स्मरण त्रिण जन्म संसार बंधना विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जब भी भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान करें तो पहले क्या करें, भगवान का कीर्तन जरूर करें। नवदा भक्ति में जो कीर्तन है ना, वो भी एक भक्ति है, जरूर करना चाहिए। क्योंकि कीर्तन करने से क्या होता है, कीर्तन करने से हमारे ताप, हमारे पाप, हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारी बाधाएं, और सबसे बड़ी बात है कलयुग में जो मन लगता नहीं भगवान में ना, कीर्तन करने से भगवान के चरणों में मन लग जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमोच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। कल सायंकाल प्रथम दिवस में हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे भागवत धर्म, महात्म्य की कथा हुई, इसके बाद धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। एक तो होता है धर्म, धर्म क्या है, भोजन बनाना, नौकरी करना, घर बनाना, व्यापार करना, पुत्र पौत्रों को पालन करना, व्यवहार निभाना, ये भी धर्म ही है। हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता ये है, हमारे यहाँ सब कुछ धर्म है, शादी करना भी धर्म है, संतान उत्पत्ति करना भी धर्म ही है, विधिवत विवाह करके बच्चे हो धर्म है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। तीन ऐसे संस्कार है जो हम नहीं देख पाते, सीमित नयन और गर्भाधान संस्कार दो हमारे सामने नहीं होते, माता पिता के द्वारा होते हैं। और एक संस्कार और होता है, कौन सा, अग्नि संस्कार, जिसके लिए होता है वो होता ही नहीं। तो धर्म क्या है, धर्म सत्य है, सत्य धर्म है, ईमानदारी से नौकरी करके पैसे कमाना भी धर्म है, विधिवत दुकान चलाना भी धर्म है, अच्छे से खेती करना भी धर्म है। पर ये कौन सा धर्म है, लौकिक धर्म है, ये सांसारिक धर्म है। एक तो ये धर्म हो गया, पर श्रीमद् भागवत जी में पूज्य सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों ये हो गया धर्म, और मैं आपको जो परम धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म जित कई जरोत्र परम निर्वसराणां सदा वेद्यं वस्त्र 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 शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणाः। कहते हैं श्रीमद् भागवत जो हो गया परम धर्म है। अयम ही परमो लाभ कृष्ण दर्शन लालसा, सबसे बड़ा लाभ क्या है, भगवान का दर्शन हो जाए। अयम ही परमो लाभ, हे ठाकुर जी जीवन में आपके दर्शन हो जाए, आपकी थोड़ी सी कृपा बन जाए, हमारे ऊपर बन जाए, हमारे परिवार के ऊपर बन जाए, हमारे गांव में बन जाए, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं भगवान का, भगवान का थोड़ा नाम ले लें, कुछ दान कर लें, कुछ धर्म कर लें। क्योंकि सच मानिएगा, जिसने धर्म कर लिया, जिसने प्रभु का नाम ले लिया, जिसने भागवत की कथा सुन ली, उसके आने वाले हजारों जन्म अच्छे हो जाएंगे, आने वाले हजारों जन्म। तो क्या करना है, हमें धार्मिक बनना है। कैसे धार्मिक बनना है, प्रभु का नाम लेकर, भागवत सुनकर।
कन्हैया का नाम लेकर भागवत सुन कर, तो भागवत सुनने से क्या होगा? धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराराम सता। ऐसा धर्म है भागवत कि एक बार हमारे हृदय में हमारे कानों के माध्यम से चला जाता है तो जन्म जन्मांतर की बाधाएं कष्ट दुख सब मिटा देती है। ये भागवत जी की महिमा है, क्योंकि भागवत साक्षात क्या है? श्रीमद् भागवताख्योऽयं साक्षात श्री कृष्ण है। क्या है? श्री कृष्ण साक्षात कृष्ण है। और जिसके पास भगवान आ जाए, जिसके जीवन में भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की छत्रछाया हो जाए, उसके जीवन की सारी बाधाएं मिट जाएंगी। और भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि भागवत क्या है? परम धर्म है। तो इसलिए ने कहा महाराज, ये परम धर्म होता क्या है, इससे होना क्या है, इसको कैसे सुने? तो शिवदम शिव कल्याणम तरा शिवदम, ये भागवत की कथा जो है कल्याण करने वाली है। बोले महाराज कल्याण हो सकता है क्या? बोले हमारा ही नहीं, जो सुनेंगे जो सुनाएंगे, जहां तक भागवत के शब्दों की मंत्रों की आवाज जाएगी वहां तक पवित्र भूमि हो जाएगी, वहां तक सब बढ़िया हो जाएगा, वहां तक सारे पाप मिट जाएंगे। शिवदम शिव कल्याणम ददाति शिवदम, बोले कल्याण करने वाले हमारा कल्याण कर देंगे। बोले महाराज कैसे ग्रहण करें? निगम सुख मुखा भागवत क्या है? निगम का नहीं होता है वेद, निगम कल्प तरो गणितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो वेद है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद और अथर्ववेद, ये क्या है? यही सबसे पुराने ग्रंथ है। ये कैसे है? वेदों को किसी ने लिखा नहीं है। वेद कैसे प्रकट हुए? भगवान के सांसों से प्रकट हुए। भगवान मतलब वेदो नारायण है साक्षात, या तो यूं कहे कि वेद ही भगवान है और भगवान ही वेद है। वेद को कहा जाता है वेद भगवान। और वेद इतने कठिन है, इतने नियम है कि वेद को यदि सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वेदो निज नाम सारा निगम कल्प तरो गणितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, वेद रूपी एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसका जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। जैसे आम है, अब आम का जो वृक्ष है उसके फल का बात नहीं, अभी आएगी गर्मी में। अब कोई सोचे कि जनवरी में फरवरी में या नवंबर में अथवा तो अक्टूबर में हम आम का फल खा लें, देसी आम का वैसे आजकल खाने लगे हैं, 12 महीने आम बिकते हैं शहरों में, पर जो प्राकृतिक रूप से आते हैं वो गर्मी में होते हैं आम। अब कोई सोचे हमें तो जुलाई में आम खाना है, अक्टूबर में खाना है, कैसे खाएं? तो कोई व्यक्ति सोचे चलो आम तो इसी वृक्ष से आएंगे ना, एक काम करो एक डाली तोड़ लो, पत्ते तोड़ लो, खा लो, तो क्या होगा? वो स्वाद नहीं आएगा, दांत टूट भी सकते हैं, कड़वा स्वाद आएगा। पर इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे तो मार्च में अप्रैल में मई में देसी वाले गांव वाले आम बगीचे में अपने आप ही हैं, वो वाले आम कब आते हैं? गर्मी में आते हैं, अभी आने लगे छोटे छोटे, प्रतीक्षा करनी पड़ी। ऐसे ही कल्प वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत था, पका हुआ था। डाली खाएंगे, पत्ते खाएंगे, कच्चे आम खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा। कुछ इंतजार करेंगे, समय का इंतजार करेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या मिलेगा? पका हुआ फल। ऐसे ही वेदों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत है।
और जब फल खाते हैं, आम फल आम का रस पीते हैं तो गर्मी भी बड़ा आनंद भी आता है। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण तो 18 है, श्रीमद् भागवत वेद व्यास की अंतिम कृति है, आखिरी में लिखे, इसके बाद कुछ लिखे ही नहीं। महाभारत लिखे, इसके बाद श्रीमद् भागवत, क्योंकि भागवत में सब कुछ है। हजारों करोड़ों जन्म पाने के बाद भी ना तो आप भागवत सुन सकते पूरी, ना करने वाले कर सकते। भागवत के एक एक मंत्र में, एक एक श्लोक में लाखों वर्षों तक बोला जा सकता है, विद्वान लोग बोल ही रहे हैं। वृंदावन में कई ऐसे आश्रम है जहाँ पर बीसियों वर्ष से भागवत चल रही है, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान व्याख्या करते हैं भागवत क्या है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलयुग में भागवत हमारे पापों को समझ कर देती है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसकी ओर कुछ हमारा, चलो एक बार आम खा लिए, दो बार खा लिए तृप्त हो जाता है भाई। एक बार कथा सुन लिए, दो बार सुनिए, रोज ही रोज कथा होती है, टीवी में होती है, यूट्यूब में आती है, हर दिन होती है, महाराज बार बार क्यों सुने। तो भागवत जी में लिखा है, और गोस्वामी जी इसी बात को चौपाई के माध्यम से कहते हैं। और श्रीमद् भागवत के लगभग 75% श्लोक जो है ना, गोस्वामी जी ने उन्हीं को चौपाई बना दिया है। आप भी रामचरितमानस पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, लगभग 75% श्लोकों को गोस्वामी जी ने ट्रांसलेट कर दिया। बोले एक बार सुनो भागवत, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, बार बार सुनो, जीवन पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम आलयम पिबत भागवतम। बोले बार बार क्यों, जैसे रोज रोज भोजन की कभी भूख मिटी, रोज सोते हैं, कभी सोना ऐसा हो जब नहीं सोए, बस खत्म। रोज भोजन किए, जब से जन्म ली ना जाने कितने हजार क्विंटल खा गए, कितना पानी पी गए, कितनी हजार बार सो गए, कितने हजार घंटे सोए, पर नींद कभी खत्म नहीं हुई। भूख रोज लगती है, प्यास रोज लगती है। ऐसे ही बोले भागवत की कथा आत्मा की प्यास को बुझाती है। जिसे आत्म कल्याण करना हो, अपना उद्धार करना हो, अपनों का उद्धार करना हो, अपने हजारों जन्मों को बनाना हो, अपने पूर्वजों को तारना हो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करना हो, वो कम से कम जीवन में एक बार अपने नेक कमाई से अच्छे से भागवत जरूर सुन ले। और आपने कल भागवत का महात्म्य सुना, महत्व भागवत का, वो समझ कहते हैं राम चरिते जे सुनाही अघाही, राम चरिते जे सुनाही अघाही, राम चरिते जे सुनाही अघाही, रस विशेष जानती नाही, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
विशेष जाना तिन नाही। जिसने भागवत प्रकट व्यवहार के लिए, दुनिया को चलाने के लिए, निमंत्रण बुझाने के लिए सुना, उसने भागवत को महत्व को नहीं समझा। राम चरित जे सुनहिं अघानी, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा श्रवण नहीं की, उनके कान बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे, वो आंखें बहुत बढ़िया नहीं है जो भगवान के दर्शन कभी ना की हैं, वो वाणी बहुत पवित्र तो नहीं है जो दुनिया की बातें हजार कर ले पर ठाकुर जी का नाम ना आए। तो क्या करना है? मोह रहो रसिका भूमि भावुका। बोले ऋषियों, आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ दो, हम तो कुछ है ही नहीं। मोह रहो रसिका भूमि भावुका। बड़े बड़े रसिक संत हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से समाधि लगाकर भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। मोह रहो रसिका भूमि भावुका। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है, संसार में कोई बड़ी चीज है तो वो है भगवान की कथा। भगवान से भी ज्यादा पवित्र है, भगवान से भी ज्यादा प्रभाव है इसका कथा का। कथा बहुत अद्भुत है भगवान की। राम का राम से बड़ा राम का नाम। राम जी का नाम लेंगे तो क्या होगा? कल्याण होगा। भगवान तो अपने आप आ जाएंगे, भगवान की कथा हमारे जीवन में आ जाएगी। तो बोले कथा से होता क्या है? तो बोले कथा जब हमारे जीवन में आती तो हमारी समस्त बाधाएं, हमारी सभी व्यथाओं को मिटा देती है। ऐसी महिमा है भगवान की कथा की। बोले महाराज बड़ी अच्छी बात बताए हैं आप, सुनेंगे जरूर, सुनाइए आप। सभी समस्त ऋषियों ने, 88,000 संत जनों ने, स्वर्गादिक मुनियों ने श्री सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किए। बोले सूत जी महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की, हमें लग रहा था बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पर आज हमें मालूम हुआ गुरुदेव कि हमारा जो जीवन अभी तक हम जिए हैं ना, वो केवल खाने पीने सोने उठने बैठने व्यवहार निभाने में चला गया। सच मानिए सूत जी महाराज, आज हमारे जीवन का शुभारंभ हो रहा है। क्यों हो रहा शुभारंभ? जिस दिन हमारे जीवन में धार्मिकता आ जाए, आध्यात्मिकता आ जाए, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। देखिए दुनिया से प्रेम तो सबका है, परिवार से प्रेम सबका है, करना पड़ता नहीं, अपने आप हो जाता है। पर श्री ठाकुर जी से, भगवान से प्रेम करने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा। परिवार से प्रेम स्वतः हो जाएगा, पर भगवान से प्रेम होना भगवान की कृपा के बिना संभव भी नहीं है। जब तक ठाकुर जी कृपा ना करेंगे तब तक कृपा होगी भी नहीं। पर ठाकुर जी कृपा कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं जो जीव नित्य हर क्षण मेरा नाम जपता रहता है, मेरी याद करता रहता है, उसके बारे में मैं सोचता हूँ, उसे अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूँ, उसे अपना बना लेता हूँ। जय जय श्री राधे। और ऋषियों ने छह प्रश्न कर दिए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। और ऋषियों ने छह प्रश्न कर दिए। कितने? छह प्रश्न। देखिए बिना प्रश्न के जीवन चल भी नहीं सकता, पूछना चाहिए। जब भी कोई महापुरुष मिल जाए, सद्गुरुदेव मिल जाए, बड़े मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, तो कुछ पूछ लो। क्योंकि जो हम पूछेंगे, जो उत्तर मिलेगा ना, वो हमारा जीवन बना देगा। पूछना तो चाहिए। और कहते ऋषियों ने छह प्रश्न कर दिए। कौन कौन से प्रश्न? तो इतिहासानि चारः आख्यातम्याप्रधीतानि
धर्म शास्त्र सूत जी महाराज आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप पुराणों के शास्त्रों के जानकार हो, ज्ञानी हो, आप हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। और समस्त ऋषियों ने एक साथ 6 प्रश्न कर दिए और यही 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत चलेगी, पूरी भागवत 7 दिवस। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न करते हैं महाराज, ये बताइए कि मानव का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मानव क्या करके उसकी मुक्ति हो जाए, मानव का धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न की महाराज, ये बताइए मंदिर में जाते हैं, कोई कहते हैं शंकर जी बड़े, कोई कहते हैं दुर्गा मैया बड़ी, कोई कहते हैं भगवान विष्णु बड़े, आखिर ये बताइए महाराज किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें, या किसको इष्ट देव बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत देवता है, बहुत देवियां हैं। तीसरा प्रश्न है महाराज, वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान को क्या बोलते हैं? अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता, तो फिर वो राम जी बनकर कैसे आए, कृष्ण जी बनकर कैसे आए, बराय बनकर कैसे आए, नरसिंह बनकर कैसे आए। चौथा प्रश्न है महाराज, भगवान के अवतार कितने होते हैं। और पांचवा प्रश्न है महाराज, जो भी हमें बताइएगा बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, कैसे बताइएगा, सरल भाषा में, सहज भाषा में, जो हमारे समझ में आ जाए। और आखिरी प्रश्न की महाराज, जब भगवान इस धराधाम को, पृथ्वी लोक को छोड़कर चले गए दुष्टों का संहार करके, तो पृथ्वी क्या अकेली पड़ गई, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, धर्म संस्था पनार्थाय संभवाम युगे युगे, मैं अधर्म का नाश करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युगांतर में आता रहता हूँ, बार बार आता रहता हूँ। तो जब भगवान चले गए तो क्या धरती मैया अकेले पड़ गई। धर्म कम शरणम गता, भागवत जी में लिखा है भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। पूज्य सूत जी महाराज बहुत मुस्कुराए और बोले, ऋषियों आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, सच तो ये आप ये सब जानते हैं, पर आपने इसलिए पूछा कि कलयुग में लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए कलयुग में, और संत वही है, महात्मा वही है, गुरु जी वही है, जो अपने अपने साथ पूरे संसार का, पूरी सृष्टि का, सबका कल्याण चाहिए, जो सबके बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः सोचेगा ना, उसके जीवन में सब बढ़िया होगा। हमारा तो बढ़िया हो, हमारा तो मंगल हो, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका मंगल हो। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों आपके 6 प्रश्नों का उत्तर दूं, उससे पहले मैं अपने गुरु भ्राता श्री वेद व्यास जी से सहन है, गुरु भ्राता मेरे गुरु के पुत्र, मेरे गुरु के ही समान है, वो कौन है? सुखदेव स्वामी। मैं अपने गुरु भ्राता के जन्म की कथा कहना चाहता हूं। जय जय श्री राधे। वैसे ये कथा भागवत जी में नहीं है, मूल भागवत में नहीं है, कौशिकी संहिता में है, गर्ग संहिता और कौशिकी संहिता। गर्ग संहिता एक ग्रंथ है जिसमें गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की विचित्र लीलाएं लिखी हैं, भागवत ही वैसे वो, और उसका नाम है गर्ग संहिता, उसमें ये कथा बड़ी अच्छी आती है, और वृंदावन के विद्वानों ने इस कथा को भागवत जी में जोड़ा है। सूत जी महाराज आंखों को बंद किए और बोले, मैं अपने गुरु भ्राता सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा सुनाऊं, इसके बाद ही भागवत कह पाऊंगा, मैं आपके प्रश्नों को उत्तर तभी दूंगा जब गुरु का ध्यान कर लूंगा, है ना? अच्छी बात, जब तक अच्छे काम करें, कुछ बढ़िया काम करना हो, शुभ कर्म करना हो, तो किसका आशीर्वाद चाहिए? माता पिता गुरु चाहिए, माता पिता गुरु,
और माता पिता गुरु की मृत्यु कभी नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, शरीर बढ़ जाता है और उनका आशीर्वाद उनकी कृपा बनी ही रहती है। माता पिता गुरु चैतो ईश्वर भगवान स्वयं, माता पिता और गुरु साक्षात ईश्वर के तुल्य ही होते हैं। तो माता पिता गुरु चैतो, सूत जी महाराज बोले मैं अपने गुरु भ्राता का ध्यान कर लूं, उनको नमन कर लूं और उनके जन्म की कथा जरा कह लूं। सूत जी महाराज ने जन्म की कथा कहना प्रारंभ कर दिया सुखदेव स्वामी और बोले ऋषियों एक बार की बात है, गोलोक धाम में, गोलोक धाम कहाँ है, गोलोक धाम जो है वैकुंठ के पास ही है, या ये कहें वैकुंठ से थोड़ा ऊपर है। गोलोक धाम में कौन है, राधा रानी रहती है। श्री राधा रानी गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का चिंतन करती है, झूले में झूल रही है बैठे बैठे, और उनकी गोद में कौन है, सुखाचार्य जी महाराज, सुख पक्षी के रूप में, तोता के रूप में उनकी गोद में खेल रहे हैं। आज जैसे ही राधा रानी झूले में झूल रही थी बैठे बैठे, विचार आ गया कि लोग खाते हैं पीते हैं सोते हैं व्यापार करते हैं झूठ भी बोलते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते, जो कर